लोकल 18, न्यूज 18 और नेटवर्क 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ जो यहाँ पे शख्स बैठे हैं, कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया होगा, कई लोग जो नहीं पहचान पाए हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आप हमारे देश के सबसे यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर और पूरी दुनिया के 7 पीकें और वो भी 8000 मीटर की पीक्स को क्लाइम करने वाले सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर हमारे साथ आज हैं, इज इन द हाउस, अर्जुन वाजपेयी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है लोकल 18 नेटवर्क 18 में। थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप बिना टाइम के डिले करते हुए, और क्योंकि अर्जुन सर को भी जाना है और हमारे पास बहुत छोटा सा टाइम है, आई वॉन्ट अर्जुन सर, आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सुनाए हैं पॉडकास्ट में, बहुत सारे इंटरव्यूज में, बट मैं चाहता हूँ आज थोड़ा सा आपकी लाइफ भी डिस्कस हो। क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है और कहाँ से पूरी स्टडीज हुई है? मेरे फादर इटावा से आते हैं, इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर एंड ही वाज अ पैराट्रूपर बैक इन हिज डे, सो ही इज बीन आर्मी पर्सन। माय मॉम इज एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, मेरी मॉम महाराष्ट्र से हैं, सो आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। आई एम अ प्रॉपर नोएडा बॉय फ्रॉम डे वन, आई हैव लिव्ड इन नोएडा, पहले सेक्टर 29 ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में रहते थे, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी हियर इन नोएडा। आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम रैंड इंटरनेशनल स्कूल नोएडा एंड लास्ट 24 सालों से हम लोग यहाँ, मैं यहाँ 11 सेक्टर में रहता हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू से कि दो मतलब मतलब हमारे घर के आसपास कभी पहाड़ नहीं है, मैं कोई एथलीट फैमिली से नहीं आता, बट येट आई वॉज एबल टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल टाइम प्रोफेशनल माउंटेनियर एंड फॉलो माई पैशन। क्या एज में माउंटेनियरिंग की तरफ जो है वो डेवलप हो गया था इंटरेस्ट, क्या यूज थी? आई थिंक एडवेंचर तो बचपन से था, फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन थिंक, जब हम लोग बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे तब भी पेड़ों पे जाके छुपता था, प्रोफेशनली तब भी सोचा था, प्रोफेशनली दिमाग में बहुत बाद में आया। फिर 6वीं क्लास में एक बार मैडम बचेंद्री पाल मैम के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था, तब जरूर सोचा था, और फिर डेफिनेटली आई थिंक प्रोफेशनल वाली जो हार्डकोर आई दैट केम इन 2009 2010 2009, व्हेन जब मैं अपने बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के लिए उत्तरकाशी गया था, मैंने जहां से अपने कोर्सेज करते थे उसका नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम है एनआईएम उत्तरकाशी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर उत्तरकाशी में पहुंचा था अराउंड, जब मैं अपनी 9वीं और 8वीं क्लास में था, तो पापा ने यही सामने वाले बस स्टैंड पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बिठा दिया था, ना कोई फोन होते थे ना कोई टेक्नोलॉजी, और पापा ने बताया वहां जाकर एसटीडी से कॉल करके मुझे बता देना, पीसीओ से कॉल करके बताना, तो मैंने अच्छा चलो ठीक है। तो लाइक दिस आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ओवर हियर एंड हैविंग पेरेंट्स फ्रॉम द सर्विसेज बैकग्राउंड रियली प्लेड अ बहुत बड़ा उनका योगदान रहा हम लोगों को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाने में, व्हिच लेटर ऑन वेंट ऑन फॉर मी टू बिकम अ माउंटेनियर एज वेल। कौन सा पहला माउंटेन क्लाइंब किया और क्या एज में? आई थिंक पहला मेरा माउंटेन रहा होगा 2009 में ही, जब मैंने DKD 2 चला, द्रौपदी का डांडा 2, ड्यूरिंग माई एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, फाइनल टेस्ट होता है हम माउंटेनियर्स का आफ्टर 2 मंथ्स और 1 month ऑफ फुल यू नो ग्रिलिंग एंड ट्रेनिंग, रगड़ा लगने के बाद फिर फाइनली ये टेस्ट होता है, तो DKD 2 वॉज माई फर्स्ट मेजर माउंटेन and we successfully climbed it. At what age of? I would have been 14 years that time. 14 years. कितने माउंटेन्स अभी तक क्लाइम कर चुके हो, क्या एक्सपीरियंस है? अभी मैं एक मिशन पे हूँ, हम लोग इस मिशन को हमने नाम दिया है प्रोजेक्ट 8K है, बेसिकली हमारा एक अटेम्प्ट है पहला इंडियन को ऑन टॉप ऑफ 14,000 मीटर पीक्स पे चढ़ाने का, ऐसी पूरे विश्व में 14 ऐसी चोटियां हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर जाती हैं, इनको चढ़ने वाला अभी तक एक भी भारतीय नहीं है, पूरे विश्व में केवल 40 लोगों से कम है, हाँ, तो 40 लोगों से कम है जिन लोगों ने कभी भी इन 14 की 14 चोटियों पे फतेह हासिल करी है, और मैं 7 कर चुका हूँ 14 में से, और 7 और बाकी है, 2 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हमें अभी आने वाले 40 दिन से कम बाकी है हमारे अगले 2 अभियानों के लिए, हम लोग अभी आने वाले टाइम में शीशा पंगमा और धौलागिरी 2 माउंटेन्स है, एक तिब्बत में पड़ता है और एक नेपाल में, तो ये 2 माउंटेन्स इस स्प्रिंग सीजन में हम लोग अटेम्प्ट करने जाएंगे अप्रैल मई के महीनों में। अच्छा सर, क्या लगता है कि अभी तक जितने भी माउंटेन्स आप क्लाइम कर चुके हैं उसमें से सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था, या फिर आपको लगता है कि जो मैं इन फ्यूचर करूंगा ये सबसे डिफिकल्ट? नहीं, सारे ही पहाड़ आज तक असल में बहुत डिफिकल्ट रहे। माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें मतलब आप सेम पहाड़ पे अगर आप चढ़ने जाते हो दूसरी बार, तो वो तभी सेम पहाड़ की तरह आपको लगता नहीं है। 15 अभियान हो चुके हैं अभी तक 8,000 मीटर से ऊपर, और इनमें से शायद केवल 2 या 3 ही ऐसे अभियान होंगे जहाँ पे हम सारे टीम मेंबर्स का वापस लौट पाते हैं। तो माउंटेनियरिंग को तो मैं स्पोर्ट का दर्जा नहीं देना पसंद करता, क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से कम्पीट करता है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, पर्वतारोहण में आप अपने ओपोनेंट से कम्पीट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट नेचर। क्योंकि काफी माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं, बहुत सारी और चोटियां चढ़ चुके हैं, कौन सा ऐसा स्केरी है अभी भी जो याद आता है? तो यू तिब्बत में पहाड़ है चोयू, विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है, उसको मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि उसपे मैं एक अटेम्प्ट में पैरालाइज भी हो चुका हूँ फ्रॉम द कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी। फिर माउंट मकालू है विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, इसको चढ़ने में 4 अटेम्प्ट लग गए थे और फाइनली 4th अटेम्प्ट में जाके हम लोग उसको सबमिट कर पाए, इसमें 3-4 बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ के टीम मेंबर्स भी अपनी जान खो चुके हैं, तो इट इज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी। 2 ऐसी चोटियां जिनमें बड़े चैलेंजिंग रही, तो आई वुड से मकालू एंड चोयू। अब
मैंने जब सुना है, क्योंकि हमारे कुछ जान पहचान के लोग भी जो है वो क्लाइंब करने की कोशिश कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट, मे बी ये बात सही है या नहीं है आई डोंट नो, मैं चाहता हूँ पहले तो आप उसकी पुष्टि करें कि आप जब क्लाइंब कर लेते हो, क्लाइंब करने में तो जो आपकी मुश्किलें आती है, जब आप क्लाइंब करके वापस आ रहे होते हो, कहा जाता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तब होते हैं, सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती है तब होती है। बिल्कुल, सारी ही क्लाइंब्स में असल में क्या होता है कि अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज कर जाते हैं समिट तक पहुंचने में। समिट पहुंचने में तो बहुत मोटिवेशन रहता है, बट माउंटेनियरिंग में पुरानी कहावत है गुड माउंटेनियर इज द वन हु नोज हाउ टू कम बैक इन टाइम, है ना। तो मतलब आपको सिर्फ समिट तक जाने की अपने अंदर एनर्जी नहीं रखनी है, आपको वापस आने की भी एनर्जी रखनी है, बिकॉज सक्सेसफुल समिट तभी माना जाता है जब आप अपनी दोनों टांगों पे वापस बेस कैंप तक आ पाए। तो कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है, जैसे कि पिछले अभियान में अन्नपूर्णा विश्व की सबसे दुर्गम चोटी मानी जाती है, K2 के बाद हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है। आई लॉस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे एक मेरे पुराने दोस्त की डेथ हो गई थी समिट पुश से वापस आने के बाद कैंप 4 में। कितना समय लगा था आपको, कितने दिन लगे थे आपको? एवरेस्ट चढ़ने में अराउंड 60 से 65 दिन का टाइम लग जाता है on an average, unless and if you're going the normal way, to around definitely 55 to 65 days on an average lag jate hain. You have to do multiple times up and down on the mountain. How many days you have taken? I think 62 days total lage the hum logon ko, because I had started my expedition on the 1st of April and I summited Everest on the 22nd of May. अब बहुत सारे लोग आपको देख के बहुत प्रभावित हैं और बहुत लोगों को देख के बहुत प्रभावित है, वो करना चाहते हैं ये चीज, क्या एक्सपेंसेस लगते हैं स्टार्टिंग में? पहली रिक्वायरमेंट होती है यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड माउंटेनियर, उसके बाद रिक्वायरमेंट होती है एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक परमिट फीस होती है व्हिच यू हैव टू पे, जस्ट समवेयर बिटवीन $12,000 से $13,000, अराउंड 10-11 लाख रुपए उसमें जाते हैं। कुल मिला के आपका गियर, इंश्योरेंसेस, ट्रेनिंग, ट्रेकिंग, लॉजिस्टिक्स कंपनी, सब कुल मिला के परमिट सब मिला के 35-40 लाख रुपीज इन 2024 व्हिच यू विल हैव टू पे टू गो एंड क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सी, वन मस्ट रिमेंबर व्हाई यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन। आप किसी और के लिए चढ़ रहे हो, कुछ पास हासिल करने के लिए चढ़ रहे हो, या कुछ पैसे कमाने के लिए चढ़ रहे हो। अगर आप पैसे कमाने के लिए चढ़ रहे हो तो बिल्कुल मत चढ़ो, क्योंकि आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, और उल्टा जेब से लोग 30-40-35-40 लाख रुपए लगा के चले जाते हैं। और उसके बाद इफ यू आर नॉट एबल टू टेल योर स्टोरी, इफ यू आर नॉट एबल टू इंसेंटिवाइज ऑन इट, कैपिटलाइज ऑन इट, है ना, तो फिर देन व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ ऑल्सो इन्वेस्टिंग सो मच मनी। शेरपास का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, करेक्ट। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताओ शेरपास क्या है, क्यों टर्म ये यूज होती है, और उनके बिना आप क्यों नहीं चढ़ सकते माउंट एवरेस्ट। सो शेरपास एक्चुअली इज अ माउंटेन ट्राइब विच हैव ऑलवेज लिव्ड हायर अप ऑन द माउंटेन्स, एंड इट्स अ कम्युनिटी एक्चुअली। लॉट्स ऑफ पीपल यूज द सरनेम शेरपा, बट दे माइट नॉट बी अ प्रोफेशनल माउंटेन गाइड। सो द करेक्ट वर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर अ शेरपा वुड बी प्रोफेशनल माउंटेन गाइड फ्रॉम नेपाल। जैसे अगर आपको और हम लोगों को यहाँ से हेलीकॉप्टर बिठा के हम लोग 1000 मीटर्स पे ले जाएंगे, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल सडनली ड्रॉप कर जाएगा बिलो 60, एंड हमारा हार्ट रेट होगा 130-140, इवन इफ यू आर रेस्टिंग हार्ट विल बी ट्राइंग वेरी हार्ड। अब आप एक शेरपा को लेकर जाइए जो हुज फ्रॉम द माउंटेन कम्युनिटी, हुज बीन एक्टिवली क्लाइंबिंग, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप नहीं कर रहा। सो दे आर जेन्युइनली गिफ्टेड एंड दे आर द बैकबोन ऑफ एवरी माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन व्हिच टेक्स प्लेस। क्योंकि एक ऐसा पर्वत भी है जिसके बारे में बहुत सुना जाता है और कहा जाता है कि अभी तक कोई से चढ़ा नहीं है। हाँ, अटेम्प्ट भी जिन्होंने किया है, कहा उनके साथ कुछ हादसे हो गए हैं या फिर उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। कौन सा पहाड़ है? सो लेट अस क्लियर अगेन एंड अगेन, मैं यहां जाता हूं, सब लोग मुझसे इस बारे में जरूर पूछते हैं। तो हम इंडियंस को एक और चीज बड़ी फैसिनेटेड है, वी आर रियली रियली फैसिनेटेड बाय मिस्ट्री एंड मिस्टिसिज्म, स्पेशली एनीथिंग टू रिलेटेड विद आवर गॉड्स एंड डीटीज, हम लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम आल्सो बिग भोले भक्त सिंस चाइल्डहुड एंड आई लव द माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, बट द पॉइंट इज कि कैलाश एक ऐसा पीक है, फॉर एज लॉन्ग एज रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री गोज फॉर लास्ट 200-250 ईयर्स एटलीस्ट, इट हैज नेवर बीन अटेम्प्टेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इसको कभी भी परमिशन नहीं दिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट। अगर करने जाए को माउंटेन, आई एम श्योर राइट्स हो जाए कि देवता का टाइम से टेक्निकली अगर देखा जाए कि आप इतने सारे चढ़ चुके हैं तो टेक्निकली आप बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ वेरी बिग, इट इज अ डिफिकल्ट माउंटेन, आई एम श्योर द अननोन फैक्टर इज देयर, सम ऑफ द गलीज यू सी दे लुक वेरी डिफिकल्ट, बट अभी माउंट कैलाश की हमेशा से परिक्रमा करी जाती है, उसको क्लाइंब करने को नहीं जाता, वरना आई एम श्योर पहले हमारे हिस्ट्री में जैसे हमारे सिख फिलोसोफर रहे हैं, बाबा जी रहे हैं ना, तो अगर उनको बुलाता है इज द बिगेस्ट ट्रेकर, तो आई थिंक कि ऐसे तो अगर आप फोक टेल्स में घुसेंगे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी चढ़ चुके हैं कैलाश, बट इन मॉडर्न हिस्ट्री नोबडी इज क्लाइम कैलाश बिकॉज ऑफ रीजन परमिट ही नहीं दिया जाता, इट इज नॉट अलाउड। मैं लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि इतनी जल्दी क्यों खत्म कर रहे हो, अभी क्या सोचते हैं पेरेंट्स, क्योंकि आप तो आप इतने चढ़ चुके हैं और जब आपने स्टार्टिंग में बोला होगा कि आई वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, आई वांट टू क्लाइंब दिस पीक, तब क्या था? तो दोनों टाइम पे अलग अलग स्टेजेस थी, उस टाइम पे दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर यंग चाइल्ड गोइंग टू द एवरेस्ट एंड द फियर ऑफ द अननोन, तो उस टाइम पे देयर वर वैलिड रीजंस। अब दे नो दैट आई हैव बिकम इनटू अ सीजन्ड माउंटेनियर एंड आई नो कि कैसे चैलेंज टैकल करा जा सकता है, बट एक पेरेंट का फियर तो रहता ही है
मैं वहां सबमिट पुश कर रहा था, मेरे माँ बाप यहाँ सबमिट पुश कर रहे होते हैं, तीन चार दिन उनको भी नींद नहीं लगती, लास्ट के उसमें काफी बिता दे ट्रेवल, बट उनको पता है ये अगर जाएगा नहीं तो बैठ बैठ पागल हो जाएगा, तो जाके आता है तो फिर पूरे मन से फिर हमारे साथ भी रहता है। थैंक यू समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।